क्या कोई विश्वासी विज्ञान का अनुसरण कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और विज्ञान, जब हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या जानकारी। और विज्ञान में आप उन्हीं जानकारी को आप स्वीकार करते हैं जो अनुभव के माध्यम से आता है, जो अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से मिलता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से, और व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा, या व्यवस्थित अध्ययन सिस्टमैटिक स्टडी के द्वारा जो जानकारी आपको मिलता है, विज्ञान उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है। क्योंकि विज्ञान पूरी तरीके से तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। जो चीज़ तथ्य है, जो चीज़ साक्ष्य है, विज्ञान उसी को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। क्योंकि विज्ञान पूरी रीति से आपके पांच ज्ञान इंद्रियों पर और आपके बुद्धि पर निर्भर है। जो चीज़ तार्किक है, तर्क संगत है और उचित है, उन्हीं चीज़ उसी जानकारी को विज्ञान स्वीकार करता है। लेकिन हम विश्वासी हैं, और क्योंकि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 5:7 में कि हम रूप को देखकर नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं। ये विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। और रूप को देखकर चलने का मतलब है कि हम ज्ञान इंद्रियों से नहीं चलते हैं, हम अपनी समझ से नहीं चलते हैं, पर हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास किस पे? परमेश्वर के वचन पे। हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। हम अपने ज्ञान इंद्रियों से नहीं चलते हैं, हम अपनी समझ से नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का एक ही तथ्य है, एक ही साक्ष्य है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं और हमारा जो समझ है वो सीमित है। अगर किसी बात को अगर हम नहीं समझ पाते वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत है। इसका मतलब ये है कि इंसान या मानव की जो ज्ञान इंद्रियां हैं और मानव की जो बुद्धि है वो सीमित है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर जो है वो असीमित है। इतना ज्ञान है दुनिया में, और हमारे पास कई बार क्या हो जाता है कि लोग डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, और जैसे जैसे उपकरण विकसित होते हैं, टेक्नोलॉजियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे खोज भी बढ़ने लगती हैं। और जैसे खोज बढ़ने लगता है, वैसे निष्कर्ष जो हैं, कंक्लूजन जो हैं, वो बदलने लगते हैं। इसीलिए एक विश्वासी विज्ञान का अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान खोजते रहता है। और क्योंकि विज्ञान खोजते रहता है, उसके निष्कर्ष भी बदलते रहेंगे। इस देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर का वचन था। इसलिए हमें परमेश्वर के लिखित वचन का अनुसरण करना है, परमेश्वर के वचन के पीछे जाना है, कि वचन हमें बताता है कि सत्य क्या है। और फिर विज्ञान की तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि जो परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के काम की सुंदरता को, परमेश्वर के कारीगरी को, परमेश्वर के जो काम करने का तरीका है, जिस सुंदरता से और बुद्धि से परमेश्वर ने चीजों को बनाया है, विज्ञान अपने खोज से हमें बता सकता है कि परमेश्वर ने अपने काम को कैसे। रोमियो में लिखा गया है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण, उसका सामर्थ और उसका स्वभाव, जो भी चीज परमेश्वर ने बनाया है उनमें से प्रकट होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें। जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं, वो चाहे ब्रह्मांड हो सकता है, वो अलग अलग चीज़ें, उनको हम पढ़ें, उनको खोजें, क्योंकि उनसे हम परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के स्वभाव को हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी, और देखिए, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, ताकि हम इन चीज़ों को समझें, परमेश्वर के कारीगरी को समझें और परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन हमें कभी भी हमारे ज्ञान इंद्रियों को और हमारे समझ को परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमें कभी भी हमारे ज्ञान इंद्रियों को और समझ को परमेश्वर के वचन के आगे और वचन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम
सही दिशा पर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हम विज्ञान का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर विज्ञान से परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को कोई निकालता है तो विज्ञान के पास कोई दिशा नहीं, क्योंकि विज्ञान पूरी रीति से ज्ञान इंद्रियां और समझ पर निर्भर है और वो सीमित है। जब आप परमेश्वर को विज्ञान से निकाल देते हैं और परमेश्वर के वचन को विज्ञान से निकाल देते हैं, तब अलग अलग थियोरीज के साथ लोग आते हैं, जैसे बिग बैंग थियोरी जो कहती है कि 13 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड, इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड फैल गया। और ये गलत है, क्योंकि अपने आप कुछ चीज़ बनता नहीं है, अपने आप कुछ भी होता नहीं है। और दूसरा थियोरी है एवोल्यूशन थियोरी, जो कहती है कि मानव और बंदर का एक सामान्य पूर्वज था, चिंपैंजी। देखिए, ये मूर्खता की बातें लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को विज्ञान से बाहर कर दिया, या अपने ज्ञान इंद्रियों को और अपने समझ को परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर रख दिया। और हमें समझना है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो सीमित है। और आप खोजते रहेंगे तो आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन बदलता रहेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा कुछ लोग कहते हैं कि आप योहन्ना बपतिस्मा हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप यरमाया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग भविष्यवक्ता के नाम लिया। तब यीशु ने कहा कि तुम क्या बोलते हो मेरे विषय में। तब शिमोन पत्रस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने जवाब दिया, तू धन्य है क्योंकि ये जो प्रकाशन है, ये जो ज्ञान है, तुझे मांस और लहू से नहीं मिला, पर ये ज्ञान मेरा पिता जो स्वर्ग में है, उसने तुझे ये ज्ञान दिया है। प्रेज गॉड। तो जब हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह ने कहा दो प्रकार का ज्ञान है। एक जो व्यक्ति के ज्ञान इंद्रियों से मिलता है, मांस और लहू मतलब इंसान और इंसान की बनाई हुई संस्थाएं, और वहां उनको ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और उनके समझ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। वो एक प्रकार का ज्ञान है, वो सिर्फ इसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो एक प्रकार का है। एक और ज्ञान है जिसको हम उच्च ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है, वचन के द्वारा। तो एक विश्वासी जो है वो अपने ज्ञान इंद्रियों से आने वाली और अपने समझ से आने वाली ज्ञान से नहीं जीते हैं, वो परमेश्वर के वचन से जीते हैं, वो उस ज्ञान के द्वारा जीते हैं जो पवित्र आत्मा उनको देता है, वचन के द्वारा। इस ज्ञान से हम जीते हैं। प्रेज़ गॉड। इसीलिए देखिए, एक विश्वासी होने के नाते, जैसे मैंने आपसे कहा, हम विज्ञान के पीछे पीछे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के पीछे चलना मतलब अपने ज्ञान इंद्रिया या किसी और के ज्ञान इंद्रिया और उनके समझ पर चलना, और हम सब सीमित हैं। हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सत्य और वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर विज्ञान को देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान अपने खोज से हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो चीज बनाया है, परमेश्वर ने जो चीज रचा है, उसकी सुंदरता को और परमेश्वर की कारीगरी को और परमेश्वर की बुद्धि को और समझ को विज्ञान प्रकट करता है। प्रेज़ गॉड। तो विज्ञान बुरी बात नहीं है, लेकिन विज्ञान का अनुसरण आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान का अनुसरण करेंगे तो गलत शिक्षाएं, हम बंदर से आए, अचानक विस्फोट हुआ, ये सब मूर्खता की बातें आ जाएंगी, क्योंकि विज्ञान का हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं। हम वचन का अनुसरण करते हैं और विज्ञान से सीखते हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया उसकी सुंदरता कैसे है। प्रेज गॉड। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करें।